शोलाए हुस्न है आपकी आंखें, नूर ही नूर है आपकी आंखें, देखती ही नहीं किसानों की तरफ, कितनी मगरूर है आपकी आंखें। अपना गणतंत्र दिवस है, हम अपना त्यौहार नहीं मना सकते क्या दिल्ली में जाके? तो हम क्या सम्मान नहीं करेंगे? हम किसी का जाके अपमान थोड़ी करेंगे, हम भी तो सम्मान ही करेंगे। गणतंत्र दिवस की इस देश के सभी किसान भाई और बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ। कल 26 जनवरी है, कल का दिन इस देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि आज़ादी के 70 साल के बाद पहली बार ये ऐसा होने वाला है कि इस देश में जय जवान के साथ जय किसान रास्ते पे उतरने वाला है। इस देश के तख्त पर जो लोग बैठे हैं, जो गिने चुने मुट्ठी भर अंबानी अदानी जैसे लोगों को ध्यान में रखते हुए कानून बना रहे हैं और सिर्फ उनके विकास की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की वजह से इस देश के किसान के भाई को बहनों को रास्ते पे उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए रास्ते पे उतरना पड़ा है। कल आज हम पूरी तरह 25 के 25 राज्य जो यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसमें 20 राज्य पहुँच चुके हैं, उन सब राज्यों की ट्रैक्टर के साथ ट्रालियों पे झांकियाँ पेश कर रहे हैं। उनका कल्चर है, उनका एग्रीकल्चर सिस्टम है, उनका अपना जो लोक संगीत है, वो तमाम आप देख रहे हो। हमारी जो ट्रालियाँ है, इन तमाम झांकियों के पीछे चलेंगे। आगे की तैयारी है, आज ही कल हम परेड में भाग ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के ने और महिला भी। एक तरफ जवान झंडा फहराएगा और एक तरफ किसान झंडा फहराएंगे और हम अपना हक लेने के लिए आ रहे हैं। किसान भी करेंगे, हमारा भी हक है, किसान के बेटे जवान है, हमारा भी हक है, हम भी करेंगे। आंदोलन आगे चलता रहेगा, कोई बात नहीं, लंबा चल लेगा, उठेंगे नहीं यहाँ से जब तक ना मानेगा। मोदी सरकार जो अंधी बहरी गूंगी बन चुकी है और जिसको जो ये देखना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती या बोलना नहीं चाहती है, उस सरकार को जगाने की एक कोशिश कर रही है कि अभी वक्त है, आप संभल जाओ। कल से जो हमारा दिल्ली कूच का गणतंत्र दिवस पर परेड का जो ट्रैक्टर परेड है, उसके लिए जितना अपार लोगों में जोश है, उत्साह है, हम पिछले 43-44 दिन से यहाँ रुके हुए हैं, लेकिन पिछले दिनों में जो तैयारी और जो जोश था, उससे दसियों गुणा जोश लोगों में है और इतनी तादाद में लोग जो हैं अपने यहाँ अपने अपने साधनों से आ रहे हैं। और कल सुबह जो भी टाइम अभी थोड़ा सा पुलिस में तय हो रहा है, जो भी टाइम तय होगा उस टाइम पे यहाँ से दसियों हज़ार ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली गणतंत्र दिवस की परेड में निकलेंगे। यहाँ पर जो किसान आंदोलन ने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पहली ऐसी परेड होगी जिसमें गणतंत्र दिवस पर देश का ज़्यादा से ज़्यादा जो गण है वो अपने झंडे को सलामी देगा। और चूंकि गणतंत्र दिवस है तो पूरे अनुशासन के साथ और अलग अलग जो राज्य हैं उन सभी राज्यों की अलग अलग झांकियां भी अभी सजाई जा रही है। और इसके साथ साथ में महिलाएं भी इस ट्रैक्टर परेड में अगुवाई करेगी, खुद ट्रैक्टर चला के और महिलाओं की अगुवाई में ये परेड निकाली जाएगी। संपूर्ण रूप से तैयारी है, हजारों ट्रैक्टर फोर व्हीलर और हजारों की संख्या में साथ पूरा बॉर्डर से सुबह रवानगी काटेंगे और उसके बाद वहाँ दिल्ली मार्च पास करके वापस पुनः यहीं पे रात तक देर रात तक यहाँ पहुँचने का है। बाकी तैयारियों में कोई कमी नहीं है, वॉलेंटियर तैयार है, सारा सब कुछ खाना नाश्ता चाह पानी सारी चीज़ लेके सुबह जल्दी यहाँ से रवानगी काटेंगे। अभी प्रशासन ने अनौपचारिक अनुमति तो दे दी, लेकिन वो लिखावट वाली अनुमति है, वो
आ रही है, आधे घंटे में वो आ जाएगी। ये संपूर्ण तैयारियों के साथ तैयारी आगे चल रही है। झांकी वांकी की तैयारी कर रहे हैं, ट्रैक्टर ले आ रहे हैं, गांव से हल वगैरह सब लेके आए हैं, चक्की वगैरह सब लेके हैं। झांकी बनाने की पूरी तैयारी चल रही है और शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक झांकी निकालेंगे। हम यहाँ पे अपने गांव से लस्सी लेके आते हैं, दूध लेके आते हैं और बस खाने की सेवा में इस लंगर में लगे रहते हैं। और ये गांव के सभी हमारे गांव से ही हैं, ये सब पीछे सभी गांव से काफ़ी मदद करते हैं, लस्सी वगैरह लेके आते हैं। हमारे यहाँ इस पूरे देश के जितने बॉर्डर हैं उनसे ये बॉर्डर संख्या में छोटा है, लेकिन जितने देश के राज्य यहाँ है वो कहीं नहीं है। या राजस्थान है, या हरियाणा है, या जम्मू कश्मीर है, या बंगाल है, केरल है, या महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, ये सारे प्रदेश इस शाजापुर बॉर्डर पे है। तो ये सारे जो लोग हैं अपने अपने राज्य का कल्चर जो है, उस कल्चर का एक एक ट्रॉली होगी, उसमें अपना कल्चर होगा और उसके हिसाब से जाएंगे। यहाँ साहब हम आए हुए को काफ़ी दिन हो गए और शांति से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, शाजापुर बॉर्डर पर बैठे हैं। ये बॉर्डर तो खट्टर सरकार ने बना दिया, हरियाणा और राजस्थान की सीमा है। हम किसान आदमी हैं और हम कल के बारे में तो गणतंत्रता दिवस है, इस पर हमारा ये पर्व है और हमारा संविधान इस दिन लागू हुआ था,